जय हिंद, वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो 41 FED में जो आपकी फिजिकल और आपकी एग्जाम डेट है, जिसका काफ़ी बेसब्री से आपको इंतज़ार था, वो आपकी ऑफिशियली आउट हो चुकी है और जिसकी अपडेट आपको हम पहले ही दे चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर जो आपका न्यू एडमिट कार्ड आने वाला है, उस एडमिट कार्ड के आने से पहले ही आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एग्जाम डेट और आपका एग्जाम वेन्यू, आपका एग्जाम सेंटर क्या है, वो यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। जो भी यहाँ पर आपकी पोस्ट है, ट्रेडमैन, JOA जिसको हम LDC बोलते हैं, मटेरियल असिस्टेंट, MTS, फायरमैन, तो इन सभी पोस्ट की पहली प्रोसेस क्या रहेगी वो आपको बताएंगे। यहाँ पर आपकी जो भी प्रोसेस होगी उसमें क्या कुछ स्टेज आपकी कंडक्ट होंगी वो डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम, आपके फिजिकल लोकेशन सेंटर, आपका एग्जाम पैटर्न, आपकी फिजिकल की डिटेल, चलिए बिल्कुल सारी बातें आपको A to Z बताते हैं। तो यह है आपकी भर्ती का वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आपके एग्जाम को लेकर आउट हुआ है, आपकी फिजिकल को लेकर आउट हुआ है। और यहाँ पर देखिए, जितने भी आपके पोस्ट हैं, ट्रेडमैन, JOA, MA, MTS, फायरमैन है, जो कि आपकी 41 FED के अंडर आउट हुई थी, उन सभी की जो भी आपकी फ्रेश डेट है, न्यू डेट है रिक्रूटमेंट की, वो आपकी आउट हो चुकी हैं। तो अब आपको क्या करना है, यदि आपको ये जानना है कि जो भी आपकी पोस्ट है उसका यहाँ पर प्रोसेस, पहले वाला प्रोसेस क्या रहेगा, कब रहेगा, कहाँ पर रहेगा, तो इसके लिए जो आपका पहले वाला एडमिट कार्ड है ना, वो आपके पास होना ज़रूरी है। जब आपकी भर्ती पोस्टपोन हुई थी, मैंने आपको तभी कहा था कि आगे आपके जो भी अपडेट आएगी ना, उसके लिए आपको जो पुराने वाला आपका एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए, आपको जो पहले वाला एडमिट कार्ड है वो देखना है और उसमें जो भी आपकी पोस्ट का एडमिट कार्ड आया था, उस पोस्ट की जो फिजिकल या फिर आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला था वो किस डेट को होने वाला था, आप लोग सबसे पहले एक बार वो डेट देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा जो आपकी फायरमैन की पोस्ट है ना, उसके बारे में। तो फायरमैन की पोस्ट में बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जिनकी फिजिकल, फिर से बताता हूँ, फायरमैन की पोस्ट की जो पहली प्रोसेस है ना, वो आपकी फिजिकल टेस्ट है। तो जिनकी फिजिकल फायरमैन की पहले 11 अक्टूबर को थी, उनकी फिजिकल होगी 28 मार्च को। जिनकी फायरमैन की फिजिकल 12 और 13 अक्टूबर को थी, उनकी होगी 29 और 30 को। 12 वालों की 29 को और 13 अक्टूबर वालों की 30 मार्च को फिजिकल होगी फायरमैन की। 14 अक्टूबर वालों की फिजिकल होगी 31 मार्च को और 15 अक्टूबर वालों की होगी 1 अप्रैल 2022 को। तो ये आपकी फिजिकल की डेट है जो कि फायरमैन के रहने वाली है। और फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद वहाँ पर फायरमैन का आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन, DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट वहाँ पर आपका कंडक्ट किया जाएगा। ये किसकी बात हमने कर ली, फायरमैन की। अब चलिए बात करते हैं आपके अगले पोस्ट MTS के बारे में। अब जो आपकी अगली पोस्ट है वो है आपकी MTS है, मल्टी टास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। और MTS में सबसे पहले आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो कि पहले आपका MTS का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिक्स किया गया था 17 अक्टूबर को, वो अब आपका न्यू डेट में होगा 2 अप्रैल को। इसके बाद इस भर्ती की जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो है आपकी ट्रेड्समैन मीट की। अब इसमें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपका होगा फिजिकल टेस्ट है और फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर जो पहले आपकी डेट फिक्स की गई थी वो थी एक आपकी 25 से लेकर 27 अक्टूबर, 25, 26 और 27 अक्टूबर। तो जिनकी पहले 25 को फिजिकल थी उनकी होगी 5 तारीख की, 26 वालों की 6 तारीख को और 27 वालों की 7 अप्रैल 2022 को।
उसके बाद आपकी अगली डेट थी 28 से लेकर 31 अक्टूबर, तो 28 वालों की होगी 8 अप्रैल को, 29 वालों की होगी 9 अप्रैल को, और 31 वालों की होगी यहाँ पर आपकी देखिएगा 10 अप्रैल को, ठीक है। देन यहाँ पर आपकी जो अगली डेट फिक्स की गई थी वो थी आपकी 1 और 2 नवंबर, तो 1 नवंबर वालों की फिजिकल होगी 11 अप्रैल को और 2 नवंबर वालों की होगी 12 अप्रैल को। और फिर आपके जो ट्रेडमैन की लास्ट डेट फिजिकल की जिनकी पहले 3 नवंबर रखी गई थी उनकी होगी 13 अप्रैल 2022 को। तो ये आपके ट्रेडमैन की फिजिकल डेट है, जो कि आप पहले वाले एडमिन कार्ड में अपने डेट देख कर अब यहाँ पर कौन सी डेट को फिजिकल होने वाली है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके जो अगली पोस्ट है वो है एमए मटेरियल असिस्टेंट। इसका सबसे पहले होगा डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि पहले रखा गया था आपका डेट कौन सा 19 अक्टूबर, अब कौन सी डेट है वो आपकी 16 अप्रैल। और फिर यहाँ पर आपका जो अगली पोस्ट है वो आपकी जेओए, यहाँ पर जो आपकी पहली प्रोसेस होगी वो है आपकी स्किल टेस्ट की और डॉक्यूमेंटेशन की। तो आपका जेओए का पहले जो स्किल टेस्ट आपका रखा गया था ना वो था 21 अक्टूबर को, अब होगा आपका 17 अप्रैल को। पहले आपका जो एक और डेट रखा गया था आपका स्किल टेस्ट का वो था 22 अक्टूबर, लेकिन अब है आपकी डेट है 18 अप्रैल। तो ये आपके सभी पोस्ट के जो पहली प्रोसेस है वो आपके कौन से डेट को रहने वाली है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी आपकी पोस्ट है, जैसे कि आपके फायरमैन में और ट्रेडमैन में फिजिकल है और आपका अदर पोस्ट में स्किल टेस्ट या फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन है, ये कंप्लीट करने के बाद आपका होगा रिटर्न एग्जाम। अब रिटर्न एग्जाम कब होगा वो देखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है, सबसे पहले अगर हम बात करें एमटीएस और फायरमैन की पोस्ट के लिए, तो वो होगा आपका 4 अप्रैल 2022 को। उसके बाद ट्रेडमैन का जो यहाँ पर आपका एग्जाम होगा वो होगा 15 अप्रैल 2022 को, और आपका एमए और जेओए की पोस्ट का जो रिटर्न एग्जाम होगा वो होगा आपका 20 अप्रैल 2022 को। तो यहाँ पर आप सभी अपने पोस्ट वाइज जो फिजिकल डेट है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है, जो स्किल टेस्ट डेट है और जो भी यहां पर आपके रिटर्न एग्जाम की डेट है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर बताएं कि आपकी फिजिकल, आपका डॉक्यूमेंटेशन या फिर आपका स्किल टेस्ट या फिर रिटर्न एग्जाम वो सब आपका कहां पर होगा, तो वो होगा आपका सोनम वांगचुंग स्टेडियम लेह लद्दाख यूटी में, ठीक है जी। और जो भी यहाँ पर फ्रेश डेट है वो आपको हमने बता दी है कि कब आपकी डेट रहने वाली है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर आपके चेंजेस हैं, आपके न्यू कॉल लेटर, आपके एडमिन कार्ड है, वो आपको भेज दिए जाएंगे आपके यहाँ पर जो कम्युनिकेशन एड्रेस है उसके ऊपर। और इन सब के अलावा जो आपकी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी आपकी एक लिस्ट आएगी, जिसमें यहाँ पर किसकी फिजिकल, किसका रिटर्न एग्जाम, किसका ट्रेड टेस्ट, किसका स्किल टेस्ट, किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, किस पोस्ट का कब कहां पर होने वाला है, वो सारी बातें यहां पर आपको उस लिस्ट में बता दी जाएंगी। और जैसे आपकी लिस्ट आउट होती है वो भी आपको हमें बता देंगे। इसके अलावा यहां पर यदि अब आप लोग अपना एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए दो चीजें बिल्कुल आपको पक्की करनी होंगी, एक तो है आपका वैक्सीनेशन और दूसरा है आपका आरटीपीसीआर रिपोर्ट। यदि आप लोग अपना एग्जाम देने वाले हैं 41 FED का, तो सबसे पहले वहां पर आपको वैक्सीन लगवानी होगी और वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जानी होगी। सेकंड चीज, आप जो है कोविड-19 पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसकी जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट है वो भी आपको लेकर जानी होगी। और इन सब के अलावा जितने भी यहां पर आपके अरेंजमेंट है, आपके जाने के, ठहरने के, खाने पीने के, वो सब आपको खुद करने होंगे, कमीशन इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। और यहां पर देखिए आपका जो प्रोसेस है ना उसमें थोड़ा मोटा टाइम लग सकता है, इसके लिए आपको जो है कम से कम 5 से 6 दिन पहले वहाँ पर पहुँचना होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं, जो आपका कॉल लेटर आने वाला है पहले वाला जो कि आपको भेज दिया गया है, और अगर न्यू कॉल लेटर आता है तो वो सब आपको अपने ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट के साथ लेकर जाना होगा। डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हैं, आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशन, या फिर अगर आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन ऐड की थी उसके डॉक्यूमेंट, जो भी
आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी आपका डोमिसाइल है, आपका आधार कार्ड है, आपका एडम कार्ड है, आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ है, वो सब आपको अपने एग्जाम सेंटर पर एग्जाम वेन्यू पर लेकर जानी होगी। ओके, और यहाँ पर देखिएगा जो भी आपकी जानकारी है आपके डॉक्यूमेंट के बारे में, इन सब के साथ आपको जो लेटेस्ट मेडिकल सर्टिफिकेट है ना, वो भी आपको लेकर जानी होगी किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल, या से आप उससे अपनी जो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है जो कि आपने पहले अपने फॉर्म में लगाई थी, सेम उसी टाइप का आपको एक नई जो सर्टिफिकेट है वो आपको बनवा कर लेकर जानी होगी, जो कि आपके फिजिकल डेट से यहाँ पर एक महीने से ज़्यादा पुराने न हो, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर देखिएगा जो भी आपके फिजिकल के बारे में, आपकी एग्जाम के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आपकी जानकारी है वो हमने बता दी है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पर आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमने ओपन किया है और कुछ और आपको इम्पोर्टेंट जानकारी बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एक बात सुनिए कि यहाँ पर अगर पहले आपका एडम कार्ड आया था ना, तो उस एडम कार्ड में आप लोग अपने डेट देखकर अपनी सभी चीज़ें पता कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर पहले आपका एडम कार्ड आया था, बिल्कुल 101% नहीं बल्कि 200% कह सकते हैं कि आपका एडम कार्ड या फिर आपका लिस्ट में नाम आपको जो है बता दिया जाएगा। लेकिन यदि आपका एडमिट कार्ड पहले नहीं आया था तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, उस टाइम आपके भर्ती कैंसिल होने की वजह से आपके एडमिट कार्ड शायद रोक दिए जा सके थे, और वहीं उसी कारण से आपका जो एडमिट कार्ड है वो अब आपका आउट हो सकता है। तो आपको ज़्यादा जो है वो बर्डन नहीं लेना है, आपका एडमिट कार्ड पहले नहीं आया था तो अब भी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर यदि आपको हम वैकेंसी के बारे में बताना चाहें तो आपके ट्रेडमैन के जो पोस्ट है इसकी टोटल आपकी 330 वैकेंसी हैं, आपकी एलडीसी की टोटल आपकी यहाँ पर 20 वैकेंसी हैं, देन आपके जो पोस्ट है मटेरियल असिस्टेंट है इसकी टोटल आपकी देखिएगा 19 पोस्ट हैं, देन यहाँ पर आपके जो अगली पोस्ट है एमटीएस की इसकी टोटल आपकी 11 वैकेंसी हैं, फायरमैन के टोटल आपके 64 वैकेंसी हैं, और यहाँ पर आपकी देखिएगा जो भी पोस्ट हैं इन सभी पोस्ट की जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपके फायरमैन की पोस्ट में और आपके ट्रेडमैन की पोस्ट में जो फिजिकल आपकी होने वाली है वो कितनी होगी। तो आपके जो फायरमैन की पोस्ट है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेल कैंडिडेट हैं वहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आपकी हाइट मेजर होगी और आपकी चेस्ट और आपका वेट जो है सबसे पहले मेजर किया जाएगा, जिसमें आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी कैटेगरी को, एसटी कैटेगरी को यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर के छोटे मिलने वाली है। चेस्ट आपकी 81.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होनी चाहिए। आपका कम से कम जो वेट है वो आपका 50 किलोग्राम यहाँ पर रखा गया है। ओके, देन यहाँ पर आपका देखिए जो जेओए में स्किल टेस्ट होने वाला है वो आपका कितना रहेगा। तो इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में टाइपिंग स्पीड आपकी जो है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है, इसका कोई यहाँ पर वेटेज आपको मेरिट में नहीं मिलेगा। अब जो फायरमैन की पोस्ट है इसमें आपका हाइट चेस्ट वेट मेजर होने के बाद आपकी फिजिकल होगी। फिजिकल में क्या कुछ होगा वो सुनिएगा। तो फिजिकल में आपकी होगी सबसे पहले रनिंग, जो कि आपकी 1600 मीटर की 1.6 किलोमीटर के रहने वाली है, जिसके लिए टाइम आपको मिलेगा 6:30 का। लेकिन ये जो टाइम है ना वो आप लोग 6 मिनट मारकर चलिएगा, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से शायद आपको पूरा टाइम नहीं मिले। यहाँ पर यदि आपका टाइम 6 मिनट आता है ना, तभी आप लोग ये समझिएगा कि हाँ आपको वहाँ पर जाने में फ़ायदा है। ओके, अब ये चीज़ आपको कड़वे लगे या फिर आपको सही लगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो सच्चाई वो आपको हमने बता दी है कि 6 मिनट के आसपास टाइम वहाँ पर आपको दिया जाएगा, पूरा टाइम आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। देन यहाँ पर जो आपको क्या करना होगा, जो आपका 2.7 मीटर का एक वाइट डिच है वो आपको क्लियर करना होगा, जो कि बिल्कुल आराम से आप लोग क्लियर कर लोगे। फिर वहाँ पर आपको क्या करना है, 63.5 किलोग्राम का कोई व्यक्ति या कोई भार जो कि आपको बोरी वगैरह कट्टा वगैरह हो सकता है उसको लेकर उसका उठाकर आपको दौड़ना होगा कितने मीटर, 183 मीटर, कितने टाइम में, 96 सेकंड में। फिर वहाँ पर देखिए आपको 3 मीटर का जो वर्टिकल रोप है उसके ऊपर आपको चढ़ाई करनी होगी, या आपकी फिजिकल होने वाली है
फायरमैन की पोस्ट में। देन यहाँ पर आपको जो ट्रेडमैन की पोस्ट है उसमें आपके सबसे पहले होगी फिजिकल। अब फिजिकल में क्या होगा ध्यान से सुनिएगा, फिजिकल में सेम चीज़ आपके सबसे पहले होगी रनिंग, जो कि आपकी 1600 मीटर रहने वाली है। टाइम यहाँ पर आपको बताया गया है 6:30, लेकिन यहाँ पर टाइम फिर से बताता हूँ 6 मिनट के आसपास आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 50 किलोग्राम का कोई भार या फिर कोई व्यक्ति कट्टा बोरी वगैरह उठाकर आपको 200 मीटर जो है 100 सेकंड में दौड़ना है। यह आपकी फिजिकल के प्रोसेस होने वाली है आपके ट्रेडमैन की पोस्ट में। अब यहाँ पर जो भी आपकी पोस्ट है उसकी फिजिकल क्या रहेगी, स्किल टेस्ट क्या रहेगा, वो सारी बातें आपको होने बता दी हैं। अब एग्जाम में क्या कुछ आपकी चीज़ें फॉलो होंगी वो देखिएगा। तो यहाँ पर जो आपके सभी पोस्ट का एग्जाम होने वाला है उनमें आपका एक ही पैटर्न फॉलो होगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। ओके, देन यहाँ पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर। आपको पेपर के लिए टाइम कितना मिलेगा, टोटल 2 घंटे 30 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। एग्जाम में टोटल क्वेश्चन आपके 150 आने वाले हैं और पेपर भी आपका सभी पोस्ट का ट्रेडमैन फायरमैन जेओए एमए एमटीएस 150 नंबर का रहने वाला है। जो आपकी मेरिट बनेगी ना वो भी आपकी इसी 150 नंबर के बेस पर बनने वाली है। यानी कि आपको सिलेक्शन लेना है तो किसके बेस पर लेना है, अपने रिटन एग्जाम के बेस पर। और यहां पर आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना वो आपका होगा बाइलिंगुअल, जिसका मतलब ये होता है कि आपको क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है इसको छोड़कर, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश में देखने को मिलने वाले हैं। ओके, और यहाँ पर एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि आपकी 1/4 है 0.25 की रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए आपके सभी पोस्ट का जो एग्जाम, फिजिकल, स्किल टेस्ट, सारी जानकारी आपको मैंने बता दी है। और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर जो है आपके मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। तो ये थी आपकी जानकारी, उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको 41 पीटी की भर्ती के स्पेशल नोट्स चाहिए, आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके नोट्स की फीस 299 रहने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई डाउट रहने पर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।